जी तो पाकिस्तान ने नेपाल को पहले मैच में बहुत प्यार दिया है। पाकिस्तान ने एशिया कप के पहले मैच में नेपाल को 238 रन से शिकस्त दे दी है। मुल्तान में खेले गए एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान ने नेपाल को 343 रन का हदफ दिया। लेकिन नेपाल जैसी टीम के लिए उसको चेस करना बहुत ही मुश्किल था और नेपाल की टीम 104 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की इनिंग जब पाकिस्तान ने स्टार्ट की तो शुरू में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे ओपनर साहब जो फखर जमान साहब एक दफ़ा फिर नाकाम हो गए। उनकी कामयाब पाकिस्तान के लिए एक मसला बनती जा रही है। बहरहाल पाकिस्तान ने इमाम के आउट होने के बाद बाबर आजम ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इफ्तखार के साथ पाकिस्तान की इनिंग को बिल्ड करना शुरू किया और बहुत लंबी चौड़ी पार्टनरशिप लगाई और पाकिस्तान ने जिसके नतीजे में 342 रन का एक बहुत बड़ा हदफ हासिल किया। इफ्तखार अहमद ने जी 71 गेंदों पर 109 रन की इनिंग जारहाना इनिंग खेली और पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक ये कोई 66 बॉल पर उसने सेंचुरी बनाई थी जो कि पाकिस्तान में ओडीआई क्रिकेट में आई थिंक 6वीं या 7वीं फास्टेस्ट सेंचुरी होगी। बाबर आजम ने 151 रन की शानदार इनिंग खेली और यूं पाकिस्तान 6 विकेट पर 342 रन बनाने में कामयाब हुआ। नेपाल की जानब से सोमपल कामी नामी खिलाड़ी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया जबकि करण और संदीप लम्मिचाने ने एक एक विकेट हासिल की। नेपाल ने जब इनिंग शुरू की तो हमारे शाहीन फरीदी जो कि पहले ओवर में विकेट हासिल करने की अब उनकी आदत बन चुकी है, उन्होंने चौका 2 चौके खाने के बाद आउट कर दिया भाई पहले ही ओवर में और नेपाल की टीम 104 रन पर पवेलियन लौट की। सोमपल कामी नामी खिलाड़ी ने 28 और आरफ शेख साहब ने 26 रन बनाकर नेपाल की तरफ से टॉप स्कोरर का एजाज हासिल किया और पाकिस्तान की जानब से शादाब खान ने 4, शाहीन अफरीदी और हारिस रफ ने 2-2, नसीम चार, मोहम्मद नवाज़ ने एक एक विकेट हासिल की और यूँ पाकिस्तान ने नेपाली बच्चों को उधेड़ कर रख दिया। बहरहाल शाबाश पाकिस्तान टीम, शाबाश, ऐसे ही एक फैमिली की तरह खेलते रहो और शाबाश बाबर आजम, क्या शानदार क्रिकेट खेली यार आपने। उन्होंने नेपाली बच्चों को स्ट्रीट बच्चों की तरह ट्रीट किया जिसमें वो एक एक आस यूँ कभी यूँ छक्का लगा रहे हैं। बहरहाल मुबारकबाद कि आप मुस्तहक हैं और इंशाल्लाह आप अपनी फॉर्म को इसी तरह जारी रखें और इंडिया के खिलाफ ऐसे ही खेलें। उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि तो पाकिस्तान टीम जिस जो पाकिस्तान टीम को रदम हासिल था ना वो इस मैच की सूरत में पाकिस्तान को मिल चुका है और जबकि इंडिया की तरफ से उनके जो एक बहुत अच्छे बल्लेबाज थे के आर रावल वो अब आउट हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ मैच में। तो बहरहाल वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं थे। बहरहाल पाकिस्तान टीम बेस्ट ऑफ लक और जीत कर आना।